द सेफर्स ट्रेजर, गडरिये का खजाना, ट्रेजर मीन खजाना। ए पुअर सेफर्स वंस लिव्ड इन ईरान, एक गरीब गडरिया एक बार ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, हालांकि वह अनपढ़ था, अनएजुकेटेड अशिक्षित या अनपढ़, हालांकि वह गडरिया अनपढ़ था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, लेकिन फिर भी वह बहुत ही बुद्धिमान और सहायक था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज, राजा ने उसे भेष बदल कर मिलना चाहा, मिलने का निर्णय किया। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड, एक बार ईरान में एक गांव में एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसका अपना एक छोटा झोपड़ा भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गया था, और लर्न टू रीड एंड राइट, और उसने पढ़ना और लिखना नहीं सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि वह बहुत गरीब और अनपढ़ था। अनएजुकेटेड मीन अशिक्षित या अनपढ़। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, यह गडरिया बहुत ही समझदार था। ही अंडरस्टूड पीपल सोरो एंड ट्रबल्स, वह लोगों के दुखों और परेशानियों को समझता था। सोरोज मीन दुख, ट्रबल्स मीन परेशानियाँ। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और साहस और सूझबूझ के साथ उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करता था। कॉमन सेंस, सूझबूझ। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास सलाह के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, जल्दी ही वह अपनी बुद्धिमता और मित्रपूर्ण स्वभाव के कारण प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने के बारे में सोचा। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड, एक गडरिये का भेष बनाकर और खच्चर पर चढ़कर, खच्चर की सवारी कर, वन डे द किंग केम टू द केव, राजा उस गुफा के पास आ गया। वेहर द वाइज, जहाँ पर द वाइज बुद्धिमान शेफर्ड लिव, जहाँ पर बुद्धिमान गडरिया रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, जैसे ही गडरिये ने गुफा की तरफ यात्री को आते हुए देखा। ही रोज टू वेलकम हिम, वह उसका स्वागत करने के लिए उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पानी पीने को दिया। एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मिगर मील, और अपने थोड़े से भोजन में उसको कुछ हिस्सा दिया। मिगर मीन थोड़ा, मील मीन भोजन। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने गुफा में रात को आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य सत्कार, एंड वाइज कन्वर्सेशन बुद्धिमत्तापूर्ण बातचीत। राजा ने
रात भर गुफा में आराम किया एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। और गडरिये के आतिथ्य सत्कार और उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से वह राजा बहुत प्रभावित हुआ। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि वह अभी भी थका हुआ था, द राजा डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने अगली सुबह चलने का निर्णय लिया। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रेवलर। एक गरीब यात्री के प्रति इतनी दया दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबा चलना है, बहुत लंबा जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की इजाज़त दें। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, अपने अतिथि की आंखों में सीधे देखते हुए गडरिये ने उत्तर दिया, थैंक यू, धन्यवाद योर मेजेस्टी, महाराज आपका धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, मेरे यहाँ यात्रा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, यह तो बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे इस तरह के लोगों को ही चाहिए, मैं इस तरह के लोगों के साथ ही काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस तरह के लोग मेरे लिए काम करें, वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम करें। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मैं चाहता हूँ इस तरह के लोग ही मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने इस विनम्र शेफर्ड गडरिये को एक छोटे से जिले का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, हालांकि उसकी शक्ति और मान सम्मान बढ़ गया। ही द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, लेकिन गडरिया पहले की तरह ही विनम्र रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम सिंपैथी एंड गुडनेस, विजडम बुद्धिमता, सिंपैथी सहानुभूति, गुडनेस अच्छाई। लोग उसको प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमता के लिए, उसके सहानुभूति के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, लोग उसकी अच्छाई, सहानुभूति और बुद्धिमता के लिए उसको प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह प्रत्येक मनुष्य के लिए दयालु और न्यायपूर्ण था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। हिज फेम एज ए फेयर मीन न्यायपूर्ण एंड वाइज गवर्नर, उसकी प्रसिद्धि एक एज ए फेयर, एक निर्णय वाले और बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जिलस ऑफ हिम, अब दूसरे राज्यों के गवर्नर उससे चिढ़ने लगे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ राजा से बातें करने लगे। दे सैड, वे कहते थे, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत ही बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और जो टैक्स वह लोगों से इकट्ठा करता है उसका कुछ हिस्सा खुद रख लेता है। Why did he always carry with him? उन्होंने आगे कहा कि वह अपने साथ हमेशा एक लोहे की तिजोरी क्यों रखता था। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद वह इस तिजोरी में वो धन रखता होगा जो वो
चुपके से इकट्ठा करता था। After all, आखिरकार, they said mockingly, उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, he was an ordinary shepherd, कि वह तो एक साधारण गडरिया था, and could behave no better, और इससे अच्छा व्यवहार वो नहीं कर सकता था। At first the king did not pay attention to these reports. पहले तो राजा ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, but how long could he ignore these governors? लेकिन वह इन राज्यपालों की नज़रअंदाज कैसे कर सकता था, लेकिन इन राज्यपालों की बातों पर वह ध्यान नहीं but how long could he ignore? Ignore mean ध्यान न देना, these governors, लेकिन हाउ लॉन्ग, कितने समय तक वह इन राज्यपालों की बातों पर ध्यान नहीं दे सकता था। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, और एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और गडरिये के बारे में उनकी अंतहीन कहानियों के बारे में कब तक वह ध्यान नहीं दे पाता। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, राजा को पता चला कि एक चीज निश्चित थी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि नया गवर्नर हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता था। सो वन डे द गवर्नर, द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, इसलिए एक दिन नए राज्यपाल को महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन्ड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। एक दिन नए राज्यपाल को महल में बुलाएगा। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊंट पर चढ़कर आया, एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और हरेक को इस बात की प्रशंसा हुई कि द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन्ड सिक्योरली, फास्टन्ड मीन पकड़ना जकड़ना, सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, कि वो प्रसिद्ध आयरन चेस्ट, लोहे की तिजोरी अभी भी घोड़े की ऊंट के पीठ पर अच्छी तरह से बंधी हुई थी। Now the king was angry, अब राजा नाराज हुआ। He thundered, वह गुर्राया, Why do you always carry that iron chest with you? कि तुम हमेशा ये लोहे की तिजोरी अपने साथ क्यों रखते हो? What does it contain? इसके अंदर क्या है? The governor smiled, राज्यपाल मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest, उसने अपने नौकर को तिजोरी अंदर लाने के लिए कहा। How eagerly the people standing around waited for the safer to be found out. How eagerly, बहुत ही उत्सुकता से, the people standing around, चारों तरफ खड़े हुए लोगों ने waited, इंतजार किया for the safer to be found out. Safer गडरिये के पकड़े जाने का। इस लाइन को फिर देखें, हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर टू बी फाउंड आउट, बहुत ही उत्सुकता से आसपास खड़े लोगों ने गडरिये की पोल खुलने का इंतजार किया। फाउंड आउट, पोल खुलना, भेद खुलना। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन द किंग हिमसेल्फ, बट हाउ ग्रेट, लेकिन उनका आश्चर्य बहुत ही चरम सीमा पर था, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन्ड, जब तिजोरी को खोला गया, नो गोल्ड नो और सिल्वर और ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट, नो गोल्ड, न ही सोना और सिल्वर चांदी और ज्वेल्स हीरे जवाहरात, but an old blanket, blanket means kambal, was all that came out. Nahi
सोना चांदी और हीरा जवाहरात, लेकिन एक पुराना कंबल उसमें से बाहर आया। होल्डिंग इट अप, इसको ऊपर उठाते हुए प्राउडली अभिमान से के साथ इसको ऊपर उठाते हुए द सेफर्ड साइड गडरिये ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, मेरे प्यारे स्वामी, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, मेरे प्यारे स्वामी यही मेरा केवल खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। राजा ने पूछा, तुम तो निश्चित रूप से एक जिले के राज्यपाल हो, तो ऐसा साधारण कंबल तुम अपने पास क्यों रखते हो? टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, इसके ऊपर गडरिये ने बहुत ही मान सम्मान के साथ उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विल टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट मीन रक्षा करना। इफ एट एनी टाइम, यदि किसी भी समय मेरे महाराज मुझे ये नया लवादा छोड़ने के लिए कहेंगे, तो यह मेरी रक्षा करेगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज, राजा बहुत खुश हुए, एंड हाउ एम्ब्रास्ड द जिल्लस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और बुद्धिमान आदमी के उत्तर को सुनकर जिल्लस गवर्नर्स ईर्ष्यालु राज्यपाल बहुत ही एम्ब्रास्ड उदास हुए। हाउ प्लीज द किंग वाज एंड हाउ एम्ब्रास्ड द जिल्लस गवर्नर्स बिकेम टू हेयर द वाइज मैन्स रिप्लाई, बुद्धिमान आदमी के उत्तर को सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और ईर्ष्यालु राज्यपाल बहुत ही एम्ब्रास्ड दुखी हुए, परेशान हुए। नाउ दे न्यू, अब वे जान गए, दैट द सेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वो जान गए कि गडरिया सचमुच में बहुत ही विनम्र और बहुत ही समझदार इस धरती पर आदमी था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने उसी दिन उसे एक बड़े जिले का राज्यपाल बना दिया।